हाँ दीपक जी नमस्कार। नमस्कार। नहीं नहीं हम लोग यहाँ इको पार्क में भारी सब लोग बैठा हुआ है आंदोलनकर्ता संगठन। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूँ शुभे आपके साथ। बिहार शिक्षक बहाली प्रक्रिया को लेकर लगातार 94,000 शिक्षक अभ्यर्थी सरकार से आर पार की लड़ाई में लगे हुए हैं और इसी कड़ी में उन्हें गर्दनी बाग में जब आंदोलन करने की अनुमति नहीं मिली तो वो सीधे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के जनता दरबार में पहुंच गए और उनसे मुलाकात की और साथ ही साथ अपनी सारी परेशानी बताई। जिसके बाद जैसे ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को इस बात की जानकारी मिली तो आज वो गर्दनी बाग नहीं जाकर क्योंकि वहां पर अनुमति नहीं मिली है ऐसे में वो इको पार्क पहुंची और वहां पर तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों की परेशानी सुनी और सीधे नीतीश सरकार के अधिकारियों को फोन लगाकर ये कहा कि मैं व्हाट्सएप के जरिए आपको एप्लीकेशन दे रहा हूं और आप इन तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को अनुमति दे। किस तरीके से तेजस्वी यादव इको पार्क में तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों से मुलाकात कर रहे हैं, उनकी परेशानी सुन रहे हैं और डीएम को उन्होंने फोन लगाया है, छोड़े जाते हैं आपको इस पूरे वीडियो के साथ। डॉक्टर का हो आज अस्पताल चाहिए ये कोई नहीं सुनने वाला देखने वाला। शिक्षकों की भारी कमी है, हर जगह प्रोफेसर्स की कमी है यूनिवर्सिटीज में। आप देखिएगा सपोर्टिंग स्टाफ हो, नर्स हो, सब जगह जो वैकेंसी खाली। तो हमने यही कहा था ना कि जो रिक्त पदे हैं आते ही हम जो है 4.5 लाख वो भरेंगे और 5.5 लाख नौकरियां वो होंगी जो कि राष्ट्र औसत के मुकाबले आने की। मान लीजिए जितना हमको ज़रूरत है कम से कम उतना भी हमको पद भरना होगा और हमने तय भी कर दिया था कि पहले कैबिनेट मीटिंग में जो है इसको हम पूरा करेंगे। हालांकि जो वजह हम भले ही हमारी पार्टी को हमारे गठबंधन को ज़बरदस्ती विपक्ष में डाला गया लेकिन इससे हमको परवाह नहीं। जो मेरा कल मुद्दा था, हमारी सरकार जब बनती जो हम काम करते हैं, लेकिन यही है ना कि ये लोग तो साजिश से विधानसभा बंद करना चाह रहे थे और जाहिर से जब विधानसभा को मौन आप कर दीजिएगा तो हमको सड़क पर उतरना ही पड़ेगा। हमने ये भी कहा था कि मुख्यमंत्री के आवास का हम घेराव करेंगे क्योंकि आप को जो है उम्मीद सरकार से नहीं। आप हाँ दीपक जी नमस्कार। नमस्कार। नहीं नहीं हम लोग यहाँ इको पार्क में भारी सब लोग बैठा हुआ है आंदोलनकर्ता सर शिक्षक वाले सब जिनका अभी कोर्ट से भी ऑर्डर आया था 4 दिसंबर को कि नियुक्ति पत्र जारी करने का। तो इन लोग गर्दनी बाग में एप्लीकेशन वगैरह दिए हुए थे, इन लोगों को उखाड़ करके फेंक दिया गया। अब इन लोगों का डेमोक्रेटिक राइट है ना कि वह धरना प्रदर्शन दे सकते हैं सरकार को इंटीमेट करके। अभी लोग हैं नहीं, कहीं दूर दराज से लोग आया हुआ है, खाने पीने का सब टेंट तंबू सब उखाड़ दिया गया है इन लोगों का। हमारी एससी से भी बात हुई थी, हम बोले भाई धरने का तो इन लोगों को राइट है और लोग गर्दनी बाग में अगर शांतिपूर्ण ढंग से अगर ये लोग कर रहे हैं तो उनको कम से कम अनुमति होनी चाहिए वहाँ करने की। अब आप देखिए अब इको पार्क में लोग हम लोग बैठे हुए हैं, टिकट कटा कटा करके बैठा है लगभग हजारों की संख्या में। हम यहाँ आए हुए इन्हीं लोगों के पास मिल रहे हैं, आप डीएम से कम इन लोगों की अनुमति वहाँ बैठने की इजाज़त तो मिले। सर्दी का मौसम है, ठंड है, तो फिर हमको बैठना पड़ जाएगा यहीं इको पार्क में। निकल जाए। आप समझिए